वेलकम टू क्लास फाइव। आज हम आपके बुक जो विद्यालय के लिए की तरफ से आपके प्रेस्क्राइब बुक है उस बुक का दूसरा लेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस में, जिसका टॉपिक है लाइफ स्टाइल इन एनिमल्स, जंतुओं की जीवन शैली। ये आपके बुक से है, दूसरा लेशन है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि संसार में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी रचना, उनका आवास, उनकी बनावट अलग अलग है, और यही कारण है कि उनकी जीवन शैली भी अलग अलग है। उनके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे कि वे अपने अपने एनवायरनमेंट में कैसे आसानी से रख लेते हैं, है ना। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन वाटर, ऑन लैंड, इन एयर। दे हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गन्स टू सर्वाइव। उनके शरीर में अनेक प्रकार के अलग अलग अंग होते हैं, उनमें डिफरेंसेज होता है जो उनके लिए अनुकूल होता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, संसार के जितने भी जीव हैं उनको एक प्रमुख लक्षण के आधार पर दो समूह में बांटा गया है। वह लक्षण क्या है? वह लक्षण है हड्डियों का कंकाल, है ना, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में हड्डियों का कंकाल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें कोई हड्डी नहीं होती है, कोई कंकाल नहीं होता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्केलेटन, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट इज वर्टिब्रेट, द फर्स्ट इज वर्टिब्रेट, जिसे हम हिंदी में कशेरुक जंतु कहते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म दे है स्केलेटन ऑफ बोन्स, वैसे जीव जिनमें हड्डियों का कंकाल पाया जाता है, पूरे शरीर में हड्डी या हड्डियों का बना एक ढांचा होता है, है ना, फ्रेमवर्क होता है, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। ऐसे जीवों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, कशेरुक जंतु, है ना। वर्टिब्रेट्स है स्केलेटन ऑफ बोन्स। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप इज इनवर्टिब्रेट, दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुक, वैसे जंतु जिनके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती है, कोई कंकाल नहीं होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में ऐसे ही जीवों की संख्या बहुत अधिक है, 90% से ज़्यादा, 95% के आसपास में इनवर्टिब्रेट्स की संख्या है, और केवल 3-5% ही जीव हैं जो हड्डियों वाले हैं। हम लोग हड्डियों वाले हैं लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है। सो ऑर्गेनिज्म विच डो नॉट हैव स्केलेटन ऑफ बोन्स, वैसे जीव जिनमें हड्डियों का कंकाल नहीं होता है, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव स्केलेटन ऑफ बोन्स, जिनमें हड्डियों का कंकाल नहीं होता। अब हम लोग देखें कि संसार में जीवों की कई एक्टिविटीज है, श्वसन, मूवमेंट, है ना, गति करना, श्वसन करना, पोषण करना, तो इनमें जो डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन एनिमल्स, जंतुओं में श्वसन की क्रिया। ये भी देखा, श्वसन सभी जीव करते हैं लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं, इसके लिए जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखें कि भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है। व्हाट आर द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन एनिमल्स, ना, जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो इतने छोटे हैं जो दिखाई नहीं देते, उन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वे हवा, मिट्टी, पानी सब जगह पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में तो चर्चा करेंगे। एक सबसे छोटी सी इकाई है कोशिका, तो इनमें श्वसन की क्रिया बॉडी सरफेस के द्वारा होती है, वे अपने शरीर की सतह से श्वसन कर लेते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू बॉडी सरफेस। सेकेंड है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जितने भी मच्छर, मक्खी, मकड़ी, तिलचट्टा, ये सभी इंसेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। एंड इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े स्पाइरेकल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। स्पाइरेकल्स क्या है? स्पाइरेकल्स आर टीनी एयर होल्स अंडर द स्किन। स्पाइरेकल्स ऐसे कीड़े मकोड़े में त्वचा के नीचे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, टीनी होल्स होते हैं, जिन्हें हम एयर होल्स भी कहते हैं।
इसके द्वारा कीटों में श्वसन की क्रिया वृद्धि होती है। वाटर एनिमल्स, जलीय जीव, एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स और वाटर एनिमल्स लाइक फिश, क्रैब्स, टैडपोल, पानी में पाए जाने वाले जंतु। दे रिस्पायर, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, वे श्वसन करते हैं गिल्स के द्वारा, गिल्स को हिंदी में गलफड़ा कहते हैं, है ना। ये आसानी से पानी में घोले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। गिल्स इजिली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एनिमल्स, मैमल्स, वैसे जंतु जो बड़े हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं लगभग, इसमें सारे पक्षी, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, रेन कर चलने वाले जंतु, हाँ, छिपकिली, सांप, गिरगिट। मैमल्स स्तनधारी जीव, जिसमें मनुष्य, गाय, बकरी, हाँ, चूहे, रैबिट आते हैं। तो इस तरह से जितने ये सभी जंतु हैं, पक्षी, मनुष्य, गाय, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, है ना, सरीसृप वर्ग के, इनमें श्वसन के लिए अलग अंग होते हैं। दे हैव लंग्स, दे हैव लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़ा, इनमें फेफड़ा होता है सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। सो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स ब्रीद थ्रू लंग्स, इनमें फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, जो हवा से ऑक्सीजन को ले सकता है, है ना। ऑक्सीजन सभी को चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, वे अपने बॉडी सर्फिस से लेते हैं। इंसेक्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, वे अपने स्पाइरेकल्स, एयर होल से लेते हैं जो उनके स्किन के नीचे होते हैं। वाटर एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन लेते हैं गिल्स के द्वारा। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स यानी कि पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी जीव, जिसमें ब्लू व्हेल से लेकर हाथी, घोड़े, मनुष्य, चूहे, बिल्ली, सभी ये लंग्स यानी कि फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।